नमस्कार, स्वागत है आपका कोबरा पोस्ट के इस बुलेटिन में। सुबह के 12 बज चुके हैं और 12 बजे की बड़ी पांच खबरें कौन सी हैं ये आज आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन के जरिए। संसद से लेकर सड़क तक, राजनीतिक गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक और यहां तक कि बॉलीवुड गलियारों में क्या कुछ हो रहा है ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों की। आलोक, बताएं इस वक्त की राजनीति की बड़ी खबर क्या है? राजनीति में देखिए, इस वक्त राहुल की कल मेहसाणा में जो रैली हुई वो छाई हुई है। राहुल एक ऐसे नेता हैं जो ना बोलने से पहले सोचते हैं ना बोलने के बाद सोचते हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी के बारे में जब हम मुंह खोलेंगे भूकंप आ जाएगा जी। कल जब उन्होंने मुंह खोला तो एक बार फिर बिना सोचे बोला जी। तमाम वही सारे जो पुराने इल्ज़ाम हैं ऑलरेडी जो प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट उनसे ये कह चुका है कि भैया पहले सबूत लेके आओ, राहुल गांधी ने वही इल्ज़ाम दोहरा दिए। तो गुब्बारे में कोई दम नहीं था, ना गुब्बारा फूटा और ना भूकंप आया जी। अब ये विवाद क्या लगता है किस मोड़ पे जा रहा है? फिलहाल कोई मोड़ हमें दिख नहीं रहा है। राहुल अभी भी अपनी जगह है, बीजेपी और मजबूत हो गई है। बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि राहुल के पास कोई इल्ज़ाम है ही नहीं, क्योंकि मोदी जो हैं गंगा की तरह पवित्र हैं। तो लेकिन आलोक, गंगा पे भी सियासत हो गई है। कांग्रेस ने ये पलटवार कर दिया कि गंगा तो पहले से ही मैली हो चुकी थी, तो फिर पीएम मोदी कहाँ से मतलब अपने आप को अच्छा चरित्र कह सकते हैं? क्या क्या बात है? ये तो एक कहावत है, गंगा तो हमेशा पवित्र होती है। और बिल्कुल, गंगा तो पवित्र होती है लेकिन गंगा मैली है, ये सवाल अब कांग्रेस पर उठ गया है कि आपने पीएम मोदी पर इल्जाम लगाने के लिए गंगा को ही मैली बोल दिया, तो ये एक सवाल कांग्रेस पर फिर जुड़ गया है। और जैसा कि आलोक ने बताया कि इस तरह के बेतुके बयान जो हैं राहुल गांधी के, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को लगातार क्षति पहुंचती जा रही है। चलते हैं अखिलेश के पास। अखिलेश, क्या कुछ और बड़ी खबर है इस वक्त? 12 बजने जा रहे हैं, 12 बज चुके हैं, क्या बड़ी खबर इस वक्त की है? देखिए, हरभजन सिंह के बारे में एक बड़ी खबर है जी। हरभजन सिंह जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी नहीं। जैसा कि अभी बीजेपी की हार हुई म्यूनिसिपल इलेक्शंस में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि 21 सीटें जो हैं वो बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के अलायंस को मिली हैं, जबकि 4 सीटें जो हैं कुल कांग्रेस को मिली हैं और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है। तो इस जोल्ट के बाद जो है वो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हरभजन सिंह के साथ बात की जा रही है, हरभजन सिंह भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और हरभजन सिंह जो है वो कांग्रेस में आ सकते हैं। ये अटकलें और भी गर्म तब हुई जब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो लास्ट ट्यूसडे राहुल गांधी से मिले और उन्होंने इस बारे में बात की कि इलेक्शन में वो अपना एक अहम रोल चाहते हैं। तो ये खबर जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उठ के आ रही है सामने। खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में इलेक्शन होने और इलेक्शन से पहले जो ये जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हाल ही में सिद्धू और उनकी पत्नी ने बीजेपी से किनारा कर लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। और ऐसे में क्रिकेट का बड़ा सितारा यानी कि हरभजन सिंह अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो एक बड़ा जनाधार उनके साथ जुड़ सकता है। महिमा के पास चलते हैं। महिमा, 12 बज चुके हैं, बड़ी खबर बताएं। अभी तक की बड़ी खबर है पीएम मोदी बनारस में अपनी रैली करने वाले हैं। नोटबंदी के बाद ये पहला मौका है जब वो बनारस जाएंगे और लोगों से सवाल पूछेंगे कि नोटबंदी पर उनके क्या विचार हैं। तो ये देखना बहुत लाजमी होगा कि लोग क्या प्रतिक्रिया उन्हें देते हैं और उन्हें इस रैली में क्या प्रतिक्रिया मिलती है उनके फैसले पर। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत। नोटबंदी के बाद आज पहली बार पीएम मोदी बनारस जा रहे हैं। बनारस यानी काशी और उनका संसदीय क्षेत्र है जहां से बड़े जनाधार के साथ पीएम मोदी जीत कर आए थे और लोकसभा में एक इतिहास रच दिया था पीएम मोदी ने। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि नोटबंदी का असर बनारस के लोगों पर क्या कुछ पड़ा। आज की भीड़ बताएगी कि जनता नोटबंदी के फैसले से कितनी खुश है, काशी में पीएम मोदी का असर कितना है। मोना, आप बताएं इस वक्त की बड़ी खबर। गौरव, मैं ENT की खबर बताना चाहूंगी। जैसे कि कहा जा रहा था सैफ करीना का बेटा तैमूर जो है पिता की 5,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस होगा, जिसमें अब कहा जा रहा है कि वो वारिस नहीं बन सकता। आइए हम आपको बताते हैं कि वो वारिस क्यों नहीं बन सकता है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शत्रु संपत्ति संबंधी अध्यादेश को 5वीं बार जारी कर दिया, जिसके चलते सैफ अली खान करीना का बेटा तैमूर अली खान पटौदी पिता सैफ की 5,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस नहीं बन पाएगा। इस अध्यादेश की वजह से भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ के परदादा हमीदुल्ला खान की पूरी चलाचल जायदाद पर सरकार का स्वामित्व हो जाएगा। लेकिन मोना, सबसे बड़ी बात यह है कि शत्रु संपत्ति का विवाद है कि अध्यादेश जारी कर दिया है, 5वीं बार जारी किया है, यानी जो पिता की संपत्ति है वो उनके बेटे को नहीं मिल पाएगी 5,000 करोड़ की। जानना चाहेंगे
शत्रु संपत्ति आखिर है क्या? शत्रु संपत्ति ऐसी कोई भी संपत्ति है जो किसी शत्रु या शत्रु कंपनी की है या उसके द्वारा संपत्ति का प्रबंधन किया जा रहा है। सरकार ने इन संपत्तियों को केंद्र सरकार के तहत स्थापित भारत के शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन के कब्जे में सौंप रखा है। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में जो युद्ध हुए थे उसके बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून बनाया गया था। तो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूत्रों से ये पता चला है कि नोटबंदी के मसले पर जैसे बार बार संसद की कार्यवाही स्थगित होने की वजह से इससे संबंधित विधेयक पारित नहीं किया जा सका, इसलिए अब अध्यादेश को फिर से जारी करने की आवश्यकता हुई है। बिल्कुल, यानी एक बात साफ है, अगर शत्रु संपत्ति का मामला है और बात है तैमूर की, तैमूर 5,000 करोड़ का मालिक होगा या नहीं होगा, तो ये भी बात आपको बता दे कि सिर्फ और सिर्फ भोपाल में जो उनकी नानी की संपत्ति है उस पर है, जबकि पटौती एस्टेट में जितना भी जो महल है, जो जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो शत्रु संपत्ति के दायरे से बाहर है और उस पर अब तैमूर का ही हक होगा। सैफ अली खान की ही वो प्रॉपर्टी है और उस पर तैमूर ही राज करेंगे। हालांकि भोपाल की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। नीलम, आप बताएं इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबरों में आज एक बड़ी खबर है विजय माल्या की। आज विजय माल्या का गोवा में जो बंगला है जिसका नाम किंगफिशर विला है उसके आज नीलामी है और ये चौथी बार है जब उसकी नीलामी की जा रही है और इस बार जो इसकी नीलामी की रकम रखी गई है वो 81 करोड़ रुपए है। तो और पिछली बार जब अक्टूबर में जब इसकी नीलामी की कोशिश की गई थी तब इसकी कीमत 85 करोड़ रुपए थी और खुद देखो कि कितना घटाकर 81, यानी 4 करोड़ रुपए घटा दिए हैं, बावजूद उसके नीलामी हो पाएगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि पहले भी लगातार 3 बार कोशिश की जा चुकी है। बैंकों ने कोशिश की है कि अगर ये विला अच्छे खासे पैसों में चला जाएगा तो बैंकों का जो कर्ज है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, लेकिन अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ये नीलामी संभव हो पाए। नीलम, कुछ प्लेन के लिए भी आज बात थी कि विजय माल्या का जो पर्सनल प्लेन है, जो उनका चार्टर्ड प्लेन है, लग्जरी है काफी, वो भी कुछ अथॉरिटी का कुछ विवाद चल रहा है, क्या कुछ है? उनका प्लेन 4 साल से एयर इंडिया एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है तो जिससे वहाँ जो अथॉरिटी वो इतनी परेशान हो गई है कि वो कह रहे हैं कि इसे कचरे में भेज दो क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा विमान है तो इतनी जगह घेर रहा है। तो अब अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया है कि उसे कचरे में भेज दिया जाएगा जिसकी कीमत 12.5 करोड़ है। हाँ 12.5 करोड़ है उसकी, अब कचरे में भेज दिया जाएगा, स्क्रैप में बेचने की बात कही है। जो मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड है उन्होंने कोर्ट से सिफारिश लगाई है कि ये विमान पहले कई बार कोशिश की जाती रही है कि इसे बेच देना चाहिए, नीलामी भी हुई लेकिन नीलामी में उसकी कीमत नहीं लग पाई और वो जस का तस यूं ही खड़ा रहा, लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए वो सिरदर्द बन चुका है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ये कहती है कि इसे फटाफट आप कचरे में ही बेच दो लेकिन यहां से इसे हटा लो। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट जो है वो एक बड़ा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां से जाती हैं, बड़ा एयरपोर्ट है, जगह का काफी क्राइसिस है, जो रनवे हैं उन पे बहुत ट्रैफिक है, ऐसे में 4 साल से लगातार उसकी पार्किंग में जो विमान खड़ा हुआ है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए बोझ बनता जा रहा है। कह रहे हैं कि इस बोझ को कम करो, चाहे विमान को कचरे में ही क्यों ना बेचना पड़े। तो 12 बज चुके हैं, 12 बजे की 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू करा दिया है, फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ और बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही, नमस्कार।